गुड मॉर्निंग। सवेरे 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 पानी का टाइम हो गया खेतों का भाई। खेती का पानी भाई, खेती का पानी भाई। ये हैगी है जी दुई शाफ्ट वाली ना ड्रपैन, तो ये कैन नाल ना पहले पानी पा लो ना तो बेहतर रहिंदा, फिर शाफ्ट दे बुश खराब नहीं होंदे। दो घुट सिट लई दे इहदे विच, मर्सीबल तो फिर पई जी उहदे विच हुंदी आ पानी दे। हुण एक बड़ी मौज आ यार, हुण खाद नहीं ना पाउणी पैंदी, तो हुण मैं ट्रपैन इत्थे चला देणी, तो ट्रपैन ते पानी पहुँचण तक मैं दो बाना जिहड़ियां ला के परां करनियां, कोई टेंशन नहीं। चल पड़ी चल पड़ी। कई मेरी यार जिदन दी चोर लै गए, उस तो बाद कई रोज चेता आउंदा है उत्थों लंघदे होया, कई लैनी है दोबारा फिर चेता भुल जांदा। हुण मैं भज के पहले दो बाना ला लवां, कम लेट ना हो जाए, फिर ते हले व्लॉग बनाऊंगा। लो जी बाना शाना ला कटियां, ये कॉल लाउणी सी ते खोलणी सी, ते इधर डॉक्टर साहब जनाब मक्की बढ़ाई जाते। डॉक्टर साहब इतने आलू लाने लगे, तो अपने वाले रकबे च पहली बारी आलू लगना है इस बारी। लै भी चट्टा कई धो गए, तो आ सट गती है अही जनाब, हर बुला लैना मैं ना सीधिया कर दतिया ने। एक घंटा सोने तो बाद भाई जी, बल्कि डेढ़ घंटा सोने तो बाद, भी तीह मिनट रेंदे आ, मैं दो घंटे पा के अगले किले में छड़ लीए। बड़ा सुत्ता यार मैं, पता ही नहीं लगा। ले जी आखिरी एकड़ नूं पानी छड़ दिता, हुण इत्थों है वापसी। ते ट्रपैन आपे फिर ला दिते भाई, जदों मैं लावांगे बंद करनगे या फिर दोबारा आके बंद करनी पएगी। आदि नूं मैं लैणा सीगा 1 बजे, वो मेरा ख्याल भाई राशन लै आए ने पानी तो, वापसी तो लैणा सी आदि नूं स्कूलों, उहदे वास्ते मैं 2 मिंट पहलों ही निकल आया। हो गया हुणे महंगाई बहुती हो गई यार। लो जी आदि नूं स्कूलों लिया, दे इत्थों आदि आ के तुसीं पकड़न लगा। अच्छा तो भाई आज मुझे कोई काम नहीं था, तो इसलिए पानी लगाने के बाद फ्रेश होने के बाद भाई मैं निकल रहा हूँ अड्डे पर। हुण समझ लो भाई मैनू 2 दिन पूरे मैं वेला, हफ्ता एतवार जे न्याणे ने छुट्टी आ, तो मैं भी वेला घरे सुता हाँ, मोबाइल देखी जाना, तो जे छुट्टी नहीं होनी जिदन उदन जरूर मैं कोई ना कोई धंधा निकल आना, कि जान का निकल आना, कि वीडियो का निकल आना, कोई ना कोई इनविटेशन हो जाना, कोई वादा घाट आ गया पिछे फिर कोई ना कोई लैन किस पास सीधी हो जानी। अजीब सिस्टम आ, हफ्ता एतवार का शड्यूल बनता कोई नहीं जो मैं वेला हूं, बस यूं कुछ चल रही है अपनी जिंदगी। अड्डे ते पहुंचे उस्ताद साग साहब को, उस्ताद साग साहब जनाब कुप्पे ते तेल बदली जाते सन, इधरों अंजन खोली पे ने अज उस्ताद साग साहब को।
अल्लाह का करम है साग मियां। हुण लच्छ खत्म हो गई इहदी तकरीबन अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा जी उस तो बाद जनाब शार्टकट मारिया उस्ताद मीन साहब को फैले गए। उस्ताद मीन साहब दियां कल्लां आई जांदियां सी, आजा यार कुट चाह दा पिया आके। तो मैं भी जनाब तुहानूं पता फिर वेला घरों निकलिया तो उस्ताद मीन साहब को दो मिनट बैठा तो कप चाह दा सिटिया तो नाले मारिया गप्पां छप्पां। फिर चला गया भाई मुर्तज़ा कोल। भाई मुर्तज़ा कोल पीसीओ ते जाके मैं अपना ही ब्लॉग चला के आप देखिया। मैं कहा नाले देखिए भला वीडियो दे विच वड्डी स्क्रीन ते किदां दी लगदी, क्योंकि घरे तां असीं देखदे कोई नहीं। तो भाई मुर्तज़ा की दुकान आ जनाब इलैक्ट्रॉनिक्स की है, छोटे छोटे मोबाइलों दी चीज़ों की, प्रिंटर की, उर पर इदा मोबाइल शबैल शॉप के छोटे मोटे मामलात ने। माशाल्लाह बेहतरीन काम है भाई को। दो मिनट बैठा गपशप लगाइए तो नाले मैं इतने बह के लोड बेचता हाँ जो जिनी देर बैठा होव ना लोड बेचता हाँ मैं। तो उस तो बाद जनाब सब्जी फड़ीए सब्जियात फड़न वाली सी जनाब अड्डे अड्डे तो फड़ी, क्योंकि मॉल जाण दा चक्कर नहीं लग रहा, नाले मॉलों लिया काम मुश्किल हो जाता। तो उतों हूँ मोटर कार मेरे को है नहीं गी करके फिर चिकन वाले को चला गया मीट वाले को। ये मीट बड़ा महंगा यार, मियाँ होना की हुकूमत है, मियाँ होना के मुर्गी फार्म ने कहें बड़े व्डे फीड मिला ने यह 700 क्रॉस की खड़ा है। फिर जनाब कोई केले मेले तो कोई फ्रूट शरूट कोई सेब सूब या इदा दियाँ होर फड़न वाली सगियाँ। सुबह थोड़ा ही समान फड़िया दोबारा फिर लोड़ सी किसी चीज़ वास्ते तो फिर ज़्यादा पकड़ लिया। तो फिर अपनिया वापसियाँ जनाब हाँ भाई शेरा बाहर जाना है आ जा चल भाई यशी मार। पिछली बारी तकरीर की थी ना उसते दो कमेंट बहुत जरूरी आए हुए थे, मैं क्या तुहाडे नाल चलो शेयर करदा। एक ना आज वैसे ब्लॉग मैं इन्ना प्रॉपर बना नहीं सकिया तो चलो मैं क्या वो कमेंट जेडे वो ले लेनी है। तो एक बई ने ना दो कमेंट, एक बई ने कहा भी एक तो बई मतलब मौजूदा दौर के जो ना कि तुम तकरीर तो करते रहने तो कामयाबी इस दौर की समझते हो। दूसरा कमेंट एक येगा उन्हें क्या बई तुम कहते तो बड़ा रहने हो तो इदा दिया गल्ला भावें ना भी करो सारे पता ही होंगे। और जिन्हें कहा ना भी इदा दिया गल्ला ना करो सारे पता ही होंगे। उन्होंने बई ने मैं गल दसदा जावे वीर ये ना बाकी लोगों को जोड़ा ना वो अंदाजा होंगे कि उन्होंने जिंदगी कैसी गुजर रही है और बाकियों की कैसी गुजर रही है। वो वजह यह है भी असी ना मीडिया के उत्ते लोगों की जिंदगी का या लाइफ स्टाइल देख देख के ना थोड़े जे जहनी तौर पर ना बीमार हो चुके हैं अक्सरीयत। वो को चीज़ का वह लाइफ स्टाइल है वो बुढ़िया बुढ़िया के इदा के लाइफ स्टाइल देख देख के जहनी अजियत का शिकार होने लग जाने कि शायद वो जी लाइफ असी देख रहे हैं ब्लॉगर की या यूट्यूबर की या फिल्म स्टारा की या जो मूवीज़ के ड्रामे देख रहे हैं ना ये मतलब एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है इन्हों का, सानू उस तो थोड़ा घट मिल रहा इदा नहीं होंगे। ये चीज़ा खराब कर दी इस वालों फिर जो इदा के मेरे रंगे बंदे या चाहते लोग इदा दीज़ा झटना थोड़िया थोड़िया शुगर मेले तो हट के इदा दुछ चीज़ा शेयर करते हैं उदो फिर अंदाजा होंगे। बाकी दोस्त जो बाहर बैठे ने उन्होंने या जो पाकिस्तानी अक्सर वीडियो देखते हैं साढ़े भरा जिन्हें भी ने उन्होंने फिर अंदाजा होंगे कि नहीं यार प्रॉब्लम्स कितने कितने सारे ना चल रही हैं लेकिन हर बंद अपनी प्रॉब्लम जी वी लगती है। कुछ दिन हूँ जिमें कि प्रॉब्लम से मैं गुजरिया या स्टिल हले थोड़ी बहुत गुजर भी रहे हैं तो वो फिर जो लोगों को पता लग लोगों को मैं सुनता ना तो फिर मैं पता लगता कि यार नहीं मतलब साड़ी तो प्रॉब्लम थोड़ी आ अगले बंद साड़ी इस तो वड्डी प्रॉब्लम आ लेकिन बंदे नूं अपनी ज़्यादा वड्डी महसूस हुंदी है। तो इस गल्लों भाई वो तां कर लई दी है चलो फिर बंदे ना अगले बंदे नूं लगदा नहीं यार असीं रले मिले जिहे आ इक्को जिहा ही काम चलण दे आ। दूसरा वीर जी ये सीगा कि ना सूरज इस साइड ते होवां ते बहुत तेज़ रोशनी पैंदी है फिर अखां बंद हुंदियां, इधर होवां ते फिर उंज स्क्रीन काली हो जांदी। तो भाई दूसरा ये सीगा कि वह मौजूदा दौर च भी कामयाबी भाई तुसीं किहनूं समझदे हो भाई मैं ना असीं बड़ी इन्हां दिनां दी जिहड़ी कैलकुलेशन उन्हों कढ़ी है मौजूदा वक्त जी कामयाबी मैं समझदा ना वो ये है कि हर का एक गल सिर्फ पाकिस्तानियों वास्ते है ठीक है कि अगर तुसी तुहाडे कोल कोई चीज़ आ ना मौजूदा खासकर पाकिस्तानी और खासकर फार्मर उसकी कामयाबी मैं ये समझदा कि अगर वो को इन दिनों के कोई चीज़ा मौजूद आ जड़िया भी छावा मौजूद आ पिछे चीज़ा खरीद रहा बना रहा उ आ रही
लेकिन हुण वो चीज़ां खरीद नहीं पा रहा जां बना नहीं पा रहा तां वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो कूल हो जाए। उसकी कामयाबी ये आ कि अगर वो इन्हां दिनां दे विच उहने कोई शै वेची नहीं ना या वेच के गुजारा नहीं कर रहा तो समझो वह कामयाब। मौजूदा वक्त च खासकर फार्मर लाइन का बंदा जिहड़ा फार्मर है वह अगर इस मौजूदा वक्त दे विच जिहड़ा वक्त हुण जा रहा खासकर किसान वास्ते इस मौजूद दौर दे विच अगर उस बंदे ने कोई शै इन्हां दिनां च अपनी वेच के गुजारा नहीं किया, हल करा या रूटा वैटर कोई चीज़ नहीं वेची, कोई मोटर कार ट्रैक्टर नहीं वेच के गुजारा कर रहा, या कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लाट या कोई अपनी जराई जमीन नहीं उन्हें वेची फरोख्त की, लेकिन वो हालात 50-50 उपर थले चल रहे हैं, तो समझ लो इस दौर के तुम कामयाब तरीन बंदे हैं। तुहानू फिक्र करन दी कोई जरूरत नहीं। अगर पिछले दो साल तो दो साल इस तो पिछे तक तुम सही तरह तरक्की कर रहे सी, तुहाडा बैंक बैलेंस भी सी और तुहाडे को कुछ चीज़ा मौजूद भी सन, तो तुम हूँ दो साल तो तुम्हें लग रहा कि तुम लोग तरक्की कर रहे हैं कि तुम नहीं कर रहे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, मैं 100% गरंटी नाल तुहानू कह रहा बिल्कुल आ दाएं बाएं ना आए बाएं छाएं नहीं करना, ना ही दाएं बाएं देखना है। अगर तुम नहीं वेची कोई चीज़ तो स्टिल तुम कामयाब तरीन आदमी हो इस मौजूदा वक्त के। ठीक है, बिल्कुल परेशानी लैन की जरूरत कोई नहीं। मौजूदा वक्त की कामयाबी ये है खासकर पाकिस्तान रह के जेडे मौजूदा हालात ने कि तुम अपनी मौजूदा चीज़ों सिर्फ संभाल जाओ, बचा जाओ विकण तो, अदरवाइज हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अक्सरीयत जी अपना खिच धरू के चीज़ सेल करके या वाधा घाटा करके निज़ाम चला पै रहा। बाकी अगर सेल कर देंगे कोई चीज़ तो वो बुरी गल नहीं है, ये गल भी तुम दोस्तों दस दे जाइए कि वो कोई बुरी गल नहीं। चीज़ा होंदिया ही तो अपने इस्तेमाल वास्ते होंदिया, चीज़ा बंदे वास्ते होंदिया, बंदा इन्हां चीज़ों वास्ते नहीं होंदा कि इन्हां चीज़ों को लैके परेशान होवे या स्ट्रैस या कोई ऐसी चीज़ करे, ये बंदे वास्ते ही होंदिया कि जो बंदे नूं लोड़ होवे तो उदों इन्हां नूं चक पट के अपना वक्त गुजारे। ठीक है जी, सो लेकिन फिर भी वो यानी सिर्फ कामयाबी की गल हो रही थी भी 100% जो बंदा इस टाइम चढ़ाई पर है तो वो ही बंदा आ, तो फिक्र करन की जरूरत नहीं। बाकी अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो, तो जो टच लोग ने उन्होंने भी जोड़ा वो उन्होंने भी नज़र रखिया करो दोस्तों से माड़ी चंकी। ठीक है, तो कोई बड़ा बंदा कहीं डोलता छोलता नज़र आए, कोई यार बेली कोई दोस्त कोई रिश्तेदार, तो कोई नहीं थोड़ा जहा दिल से पत्थर रख के तो उन्होंने थोड़ा जहा सहारा दे लीदा हों को कुंज लीदा हों वक्त गुजर जाता है, तो बाद फिर जोड़े आ खड़न वाले बंद भी याद बंद रह जाते हैं, तो भजन वाले भी जोड़े वही बड़ी अच्छी तरह याद रह जाते हैं। सो अपना अपना तो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखो। इंशाल्लाह कल एक कोशिश है मेरी प्रॉपर व्लॉग बनाइए, और कल शायद मेरा मियाँ चनू का चक्कर लगे, तुम जो वीडियो देख रहे हैं तो अक्सर औकात बाद कॉल आ जी मियाँ चनू मैं जी तुम टच करना सगा, वो जी मेरा को एक ट्रैक्टर फार सेल थी वीडियो बनाई जानी सी, संधु भाई आए दसगे तो इस तरह करके कुछ आने लग पी तो वीर जी फिर मैं इस गलों एडवांस ही दस दिता है। व्लॉग का चैनल स्टार्ट करने का मकसद ही येगा, इस अलावा कोई मकसद नहीं कि मैं तुहानू एडवांस दस सकां माड़ी चंगा आने जाने का अपना शड्यूल, लेकिन वो सीन हो गया भी तो फिर तुहाडा ते प्रेम देख के मैनू वीडियो थोड़ियां थोड़ियां लंबियां शेयर करनियां पै गईं, जिद विच तुहानू मैं अपने अपना इजहारे ख्याल भी कर लैंदा आ, अपने खेती छेती भी दिखा दिंदा आ और दीगर इस तरह दीआं चीज़ां भी दिखा दिंदा आ। अल्लाह दे हवाले। लो जी तकरीर करी जा रहा सी, तुहानू खुदा हाफिज़ कह दिता, तो उत्तों भाई राशद दा फोन आ गया, अखे यार अपना अपना ब्रोकर सादा आ कहिंदा आ जाओ तुहानू मेहरान गड्डी लैके देवां इक, मैं क्या चलो ठीक है, माछी यार देखने जाना, मैं क्या मैं आया दो मिनट है गड्डी असी की वेखनी है भी दिन तक गया डुब, तो मैं हले राशद डे फिर चल लो जी भाई राशद आलू लाउन लगे ने, हूँ भाई राशद ने जनाब स्पिनर सुनर भी लाए, जरा माहौल शोल बनाया पूरा वेखो, आह फुल माहौल तो मिठे चौल पर चल रहे हैं पूरे, सही दा रूटर पकाए को बड़ा खूबसूरत कलर तो बेहतरीन चल रहा, मज़ा आता चला भाई प्रॉपर मशीन बनी पूरी। हाँ राशद कि चलिया है चस चू सारे कि नहीं आलू केड़ा कड़न लगा लो जी भाई मुमताज साहब ए साडे भाई राशद ने मुल लिया हा भी
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਦ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਆਇਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਇਸਮੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਐਸਟ੍ਰੈਸ। ਐਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਸਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਟੂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। 13.5 ਲੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਰਾਨ ਸੀ, 17 ਮਾਡਲ ਸੀ, VXR ਸੀ, ਟੋਟਲ ਜਨਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ।